अच्छा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने बाप जैसे क्यों हो, और तुम्हारा बाप उसके बाप जैसे क्यों था, और उसका बाप भी उसके बाप जैसे ही रहा होगा? ऐसा क्यों यार? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ कॉमन चीजें हैं तुम्हारे बीच, तुम्हारे पप्पा के बीच, और उसके पप्पा के बीच, और उसके पप्पा के बीच। तुम जनरेशन टू जनरेशन कुछ कॉमन चीजें शेयर करते आ रहे हो, पास ऑन करते आ रहे हो, और यही चीज को कहते हैं हम हेरिडिटरी। बट देखो, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, स्पेशली ये चैप्टर जो है वो डील कर रहा है जेनेटिक्स को लेके। तो यहाँ में हम कैरेक्टरिस्टिक जैसे चीप वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना तो बेइज्जती हो जाएगा। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ट्रेड्स। ट्रेड्स सेम ही चीज होता है, जो तुम्हारे अंदर में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसी को हम कहते हैं ट्रेड। तो देखो, ये जो ट्रेड है ना, ये भी दो तरीके का होता है। कुछ ऐसा ट्रेड होता है, मतलब कुछ ऐसा आदत या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तुम्हारे अंदर जो जेनेटिकली तुम्हारे अंदर मौजूद होता है जनरेशन टू जनरेशन, और कुछ ऐसा ट्रेड होता है जो जनरेशन टू जनरेशन नहीं है, उसे तुमने खुद से डेवलप किया है, जिसे कहते हैं एक्वायरिंग ट्रेड। तो देखो, किसी इंसान का काबिलियत अगर नापना है ना तुम्हें, तो देखो कि उसके अंदर में एक्वायरिंग ट्रेड कितने हैं, ना कि इनहेरिट। क्योंकि बाप दादा से तो सबको मिलते हैं भाई, जो अपने दम पे काबिल बनता है ना वही तो होता है असली इंसान। क्यों, गलत कह रहा हूँ क्या? अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है रंग के वजह से भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन? इंडिया में रहते हो, कभी ना कभी तो किसी ना किसी ने, तो कोई ना कोई आंटी ने तो एटलीस्ट किया ही होगा तुम्हारे साथ। एटलीस्ट मेरे साथ तो हुआ है। हाँ, ये आंटियाँ ना क्या करें इनका बताओ, कोई धासू सा स्पेसशिप इन्वेंट करेगा, सबको बैठाएंगे और मार्च पे भेज देंगे, तब तो लाइफ सेट है ना यार। खैर यार, देखो, हम यहाँ पे एक्वायरिंग ट्रेड का बात करने नहीं बैठे हुए, हमें इस चैप्टर में जानना है जो जेनेटिकली तुम्हारे अंदर में जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रेड्स का पास ऑन हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो पहले जान लो कि ट्रेड आया कहाँ से। तो देखो, हम इंसानों के अंदर में, या फिर तुम कोई जानवर ले लो, प्लांट्स ले लो, हम सबके अंदर में सेल्स होता है, पता है तुम्हें। अब उस सेल्स के अंदर में होता है न्यूक्लियस, अब उस न्यूक्लियस के अंदर में होता है क्रोमोसोम्स, फिर उस क्रोमोसोम्स के अंदर में होता है डीएनए। अब ये डीएनए जो होता है ना, ये भी टूटा हुआ होता है अलग अलग जीन्स में। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक डीएनए है, अब ये डीएनए जो है ना तीन जीन्स में टूटा हुआ है, जीन वन, जीन टू, जीन थ्री। अब ये तीनों जीन्स ना अलग अलग ट्रेड के बारे में बात कर रहा होगा, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा। मान लो पहला जीन है जो हाइट के बारे में बात करेगा, और दूसरा जीन है जो मेरे बॉडी के कलर के बारे में बात करेगा, और तीसरा जीन मेरे हेयर का पैटर्न कैसा रहेगा उसके बारे में बात करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो जीन्स होता है ना, इसी के अंदर में छुपा होता है ट्रेड्स। चलो यार, तुम अब ये तो समझ गए ट्रेड होता क्या है। अब बात करते हैं कि ट्रेड जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कैसे करता है, मतलब मेरे पापा से मेरे अंदर कैसे आया, और उसके पापा से मेरे पापा के अंदर कैसे आया, और मेरे से मेरे बेटे के अंदर में कैसे जा। क्या, मेरे से मेरे बेटे? इसका मतलब मेरा शादी भी होगा, मतलब मेरे बच्चे? क्या बात है, मतलब मुझे कोई मिलेगी? बाय गॉड, नहीं नहीं, मतलब फ्यूचर तो अनप्रेडिक्टेबल है यार, हो भी सकता है, मतलब उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। कोई तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, और जब भी मिलेगी ना यार, पकड़ के रख लूँगा उसे, कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ छोड़ो यार, हम क्या सवाल कर रहे थे? हाँ, कि जो ट्रेड होता है ना वो कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास करता है। इस सवाल का जवाब हमारे पास था नहीं, तो यही पे आते हैं ग्रेगोर मेंडल साहब। तो वो कहते हैं कि भाई साहब देखो, हमारे पास जवाब नहीं है, हम किस लिए बैठे, चचा विधायक है हमारे, सब पता है हमें, हम तुम्हें बताएंगे, बट उसके लिए मुझे दो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, दो एक्सपेरिमेंट करूँगा और जो भी होगा सब बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? तो उनका एक्सपेरिमेंट होने देते हैं, तब तक हम जानते हैं कि ये ग्रेगोर मेंडल कौन था, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड को लेके। हाँ, थोड़ा देख लेते यार बेसिक्स। तो देखो, ये मेंडल साहब को कहा जाता है कि ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स। हाँ, ये जो जेनेटिक्स का स्टडी है ना, जो कि अभी हम पढ़ रहे, उसका फादर कौन था? ये मेंडल साहब था, ठीक है? क्या यार चचा, तुम तो बाप निकले। मतलब हाँ ठीक है, फिर इन्होंने किसके ऊपर काम किया है? इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड जो होता है कि कैसे एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन कोई भी ट्रेड ट्रांसफ़र होगा ना, उसके ऊपर लॉज दिया। तो ये जो लॉज है उसने दिया एक्सपेरिमेंट करके, दो एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर पता है? पी, हाँ अजीब सा प्लांट है,
गेस करो क्या हो सकता है ये। अरे यार मटर, कुछ भी, ग्रीन मटर। पनीर के साथ क्या सही लगता है नहीं खाने पे? यार अब वीडियो बनाओ या पनीर खाने चलो। यार देखो यार, तुम मुझे प्रॉमिस करो अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क आए ना तो तुम्हारे तरफ से मेरे लिए पनीर बिरयानी, ठीक है? बोलना मत। तो कभी कभी सीबीसी वाले चचा ना क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि बताओ यार, ये मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ये पी प्लांट्स को ही क्यों चुना? कुछ और चुन लेते यार, इतना ज़्यादा प्लांट्स है दुनिया में, हमें ही चुन लेते यार। हम तो इंसान हैं, हमें हमारे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लेते। नहीं, इन्हें तो प्लांट्स के ऊपर ही करना था। क्यों? देखो बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने। पहला चीज़, इन्हें उगाना आसान रहता है, और दूसरा चीज़, इनका लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा रहता है। अब मान लो एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर होता है तो बेचारा मेंडल साहब कितने साल जीते? 100 साल मान लो, तो कितना जनरेशन को स्टडी कर पाता? मुश्किल से एक या दो। वहीं पे ये जो पी प्लांट्स है ना, इसका इन्होंने 3-4 जनरेशन को स्टडी किया, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल छोटा था। और तीसरा चीज़, इनके अंदर में आसानी से हम क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, मतलब दो प्लांट लिया इन दोनों के बीच। हाँ पता है तुम्हें क्या होता है, वो वर्ड का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। मतलब यार क्या बताओ, जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था उसे तो यूट्यूब वालों ने डायरेक्ट एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या बताओ यार, अब उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। हाँ फिर जो है, सीड्स का वैरायटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल था। और आखिरी चीज़, यहाँ पे 7 pairs ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कन्फ्यूज? कोई बात नहीं यार, ये टेबल को देखो ध्यान से। कॉन्ट्रास्ट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? यहाँ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है पी प्लांट का, जैसे कि उसका हाइट कैसा रहेगा, सीड का कलर कैसा रहेगा, सीड का शेप कैसा रहेगा, फ्लावर का कलर कैसा रहेगा, फ्लावर का पोजीशन कैसा रहेगा, पी का कलर कैसा रहेगा और पी का शेप कैसा रहेगा। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखो ये जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे कि मैं हाइट का बात कर रहा हूँ, तो हाइट ना पॉसिबिलिटी है कि जो भी पी प्लांट होगा वो लंबा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। तो देखो इसी को कहता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब तुम्हारे अंदर में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एक ट्रेड है। वो ट्रेड दो तरीके से हो सकता है, या तो तुम लंबे भी हो सकते हो या तो तुम छोटे भी हो सकते हो। अब ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि तुम्हारे अंदर में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है। क्या ऐसे क्या देख रहे हो, डोमिनेट कैरेक्टर क्या होता नहीं पता? देखो यार, तुम्हारे अंदर में दो कैरेक्टर्स होता है, एक जो तुम्हारे पापा से मिला हुआ, एक जो तुम्हारे मम्मी से मिला हुआ। बट तुम्हारे अंदर में जो चीज़ दिख रहा है ना, सपोज मान लो तुम काले हो और तुम्हारा बाप भी काला है, तो वो कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है तुम्हें। बट तुम्हारा मम्मी ना सफ़ेद था, बट फिर भी तुम काले हो, तो इसका मतलब क्या है, जो वाइट कैरेक्टर है वो भी तुम्हारे अंदर में है बट वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है। तो समझ में आया, दो कैरेक्टर होता है हर किसी के अंदर में, एक डोमिनेट और एक रिसेसिव। जो दिखता है वो डोमिनेट होता है, और जो दिखता नहीं है बट है अंदर, वो है रिसेसिव। अरे बीबी, ये काले सफ़ेद वाला जो कहानी बता रहा है ना, तो ये अपना ही है ना तेरा? अरे नहीं यार, मैं अपना क्यों बताऊंगा तुम्हें, कुछ भी मतलब। अब देखो इससे पहले कि हम बड़े मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट को देखने, 3-4 चीज़ें हैं जो तुम्हें जान लेना बहुत ज़रूरी है। तुम नहीं तो एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ ही नहीं पाओगे। आई नो तुम्हें पता होता होगा क्योंकि एग्ज़ाम 2 दिन बाकी है, अब क्या ही मैं बता दूंगा। बट फिर भी जो बेसिक चीज़ है, जो तुम एक बार अगर समझ गए ना, तो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे लिए पानी पानी होगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहला चीज़ है अलील क्या है। जो जीन्स होता है ना, जीन्स के अंदर में जो कैरेक्टर्स होता है जिसे हम ट्रेड कहते हैं, वही तो है अलील। देखो सिंपल सा बात यह है कि तुम कुल मिला के कह सकते हो कि अलील, ट्रेड, कैरेक्टर्स, ये सेम चीज़ ही है। अच्छा चलो मैं और सिंप्लीफाई तरीके से समझाता हूँ तुम्हें। देखो तुम्हारे अंदर में दो अलील्स है, एक पापा के साइड से, एक मम्मी के साइड से। मान लो तुम्हारा मम्मी शॉर्ट है और तुम्हारा पापा टॉल, तो ये पॉसिबिलिटी है कि तुम टॉल भी हो सकते हो और शॉर्ट भी हो सकते हो। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है, समझ गए? अब देखो फिर अलील भी ना दो तरीके का होता है, एक होता है होमोजाइगस, जहाँ में क्या होता है दोनों अलील सेम सेम होता है, और दूसरा होता है हेट्रोजाइगस, जहाँ में दोनों अलील अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ तुम देख पा रहे हो, या तो कैपिटल TT है या तो स्मॉल TT है, और वहीं पे हेट्रोजाइगस में दोनों अलग अलग है, स्मॉल और कैपिटल। अब मुझे पता है तुम यहाँ कन्फ्यूज हो गए, ये टी स्मॉल कैपिटल क्या है, ये बताना क्या चाहता है?
इसके लिए तुम्हें और एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप। देखो, तुम कैसे दिखते हो, कितने लंबे हो, काले हो, गोरे हो, ये पता करना है तो तुम्हारा फिनोटाइप देखूंगा मैं। और तुम्हारा जेनेटिक्स, जो मैं अभी टी स्मॉल कैपिटल का बात कर रहा था ना, जहाँ तुम्हारा जेनेटिक कोड्स को देखा जाता है, उसे कहते हैं जीनोटाइप। जहाँ देखो, यहाँ में टॉल और शॉर्ट, अगर कोई टॉल है ना तो उसे कैपिटल टी से डिनोट किया जा रहा है, और अगर वो शॉर्ट है तो उसे स्मॉल टी से डिनोट किया जा रहा है। तो आई गेस अब तुम्हारे अंदर में चीज़ें क्लियर है। तो अभी हम बढ़ते हैं मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके अंदर में ना एक कैरेक्टर को स्टडी किया गया है, वो है हाइट। मेंडल साहब ने दो प्लांट लिया और उसके हाइट के ऊपर स्टडी किया, एक था टॉल प्लांट, एक था शॉर्ट प्लांट। यहाँ तुम देख के पता कर सक रहे हो, ये जो बाहर से तुम्हें दिख रहा है डायरेक्ट टॉल शॉर्ट, ये क्या है, फिनोटाइप है, मतलब फिजिकल लुक। और इसका जो जेनेटिक कोड है, जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं, वो क्या है, डबल टी जो कि कैपिटल में है और डबल टी जो स्मॉल में है, ये है जीनोटाइप। देखो एग्जाम्पल के साथ भी समझा दिया, अब कन्फ्यूज मत होना। देखो अब बहुत सिंपल है, मेंडल साहब ने क्या किया, दो प्लांट लिया, एक टॉल एक शॉर्ट, दोनों के बीच करा दिया, हाँ वही जो तुम समझ रहे हो। समझ रहे हो आप? उसके बाद उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आता है ना, उसके अंदर में उसने देखा कि सारे के सारे प्लांट टॉल है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि जब उसका तुम जेनेटिक कोड को देखोगे ना, यानी कि जीनोटाइप को देखोगे, तो देखो सब में कैपिटल टी पाया जा रहा है। और यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो कैपिटल टी है ना, वो क्या है, एक डोमिनेट कैरेक्टर है। तो मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हारे पास डोमिनेट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर होगा तो तुम कैसे दिखोगे, जैसा डोमिनेट दिखता है। तो यहाँ में डोमिनेट कौन कर रहा है, टॉल, तो इसलिए सारे के सारे टॉल है। अब पहला जनरेशन को स्टडी करके ये समझ में आ गया कि अच्छा, जो डोमिनेट कर रहा है वही फर्स्ट जनरेशन पे दिखेगा। अब इन्होंने इस चीज़ को रोका नहीं, अब सेकंड जनरेशन का स्टडी करना शुरू किया। इसके लिए क्या किया उन्होंने, फर्स्ट जनरेशन का दो प्लांट को लेके, हाँ वही कराया। समझ गए तुम? समझ रहे हो आप? तो जब वो किया ना, तो जो सेकंड जनरेशन आता है उसके अंदर में तीन प्लांट टॉल होता है और एक प्लांट शॉर्ट होता है। देखो क्यों शॉर्ट होता है, तुम तीनों प्लांट को देखो, यहाँ में एक कैरेक्टर जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए ये तीनों टॉल है। बट आखिरी वाला में ना कोई डोमिनेट कैरेक्टर है ही नहीं, यहाँ में दोनों के दोनों स्मॉल टी है, यानी कि ये रिसेसिव कैरेक्टर्स है, तो इसीलिए ये शॉर्ट है। तो यही है मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट, जहाँ में जो पेरेंट्स से जो फर्स्ट जनरेशन बनता है उसके अंदर में सारे के सारे कैरेक्टर डोमिनेट वाले होते हैं, इसलिए वहाँ सबके सब टॉल होते हैं। और वहीं पे सेकंड जनरेशन पे थोड़ा वेरिएशन देखने मिलता है, क्योंकि वहाँ में कुछ एक ऐसा ब्लंट होगा जहाँ में डोमिनेट नहीं कर रहा होगा कोई कैरेक्टर, तो वहाँ पे वेरिएशन होगा, यानी कि शॉर्ट एंड टॉल का कॉम्बिनेशन होगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो सीबीएसई वाला चाचा पूछ सकते हैं तुमसे, कि ये जो तुमने मोनोहाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट किया ना, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो बताओ। तो देखो बहुत आसान है, तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि ये जीनो और फिनोटाइप जो निकालेंगे हम, ये सेकंड जनरेशन का ही हमें पूछेगा ज़्यादातर, ठीक है? तो तुम्हें पता है कि सेकंड जनरेशन में चार प्लांट होता है, तीन टॉल एक शॉर्ट, तो जो इसका फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो होगा 3:1, थ्री टॉल है और एक शॉर्ट है, समझ गए कैसे हुआ। फिर जो इसका जीनोटाइप है वो होगा 1:1, यानी कि एक ऐसा प्लांट होगा जिसके अंदर में दोनों ही कैपिटल है, और दो ऐसा प्लांट है जहाँ में मिक्स है, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, फिर एक जिसके अंदर में दो स्मॉल टी है, तो इसलिए 1:1। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, तुम अगर कन्फ्यूज हो तो देख सकते हो। हाँ, तो अब इसके बाद मेंडल का दूसरा एक्सपेरिमेंट, डाइहाइब्रिड। इसके अंदर में दो कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया था, पहला सीड का कलर और दूसरा सीड का शेप। कलर के अंदर में दो कलर, ग्रीन और येल्लो। यहाँ में देखो याद रखने वाला बात यह है कि येलो कैरेक्टर जो डोमिनेट कर रहा होगा और ग्रीन कैरेक्टर रिसेसिव में होगा, और जो रिसेसिव होता है उसे हम स्मॉल लेटर से देते हैं, ये तो पता ही है तुम्हें। और सीड का बात करें तो वहाँ होगा रिंकल और राउंड। तो यहाँ में भी जो याद करने वाला बात है कि राउंड शेप डोमिनेट करेगा और रिंकल शेप रिसेसिव होगा। तो चलो अब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी हम कार्यक्रम करते हैं जो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया था, यानी कि इन दोनों के बीच हम वो करवाएंगे यार, समझ जाओ। तो तुम्हारे पास यहाँ दो सीड्स है, एक है जो कि राउंड तो है बट वो ग्रीन है,
यानी कि एक कैरेक्टर डोमिनेट वाला है और एक रिसेसिव वाला है, और दूसरा सीट जो देखने में रिंकल है और कलर जो है येलो है, यहाँ में भी एक कैरेक्टर डोमिनेट है और एक कैरेक्टर रिसेसिव है। तो कार्यक्रम करवाने के लिए क्या चाहिए? गेमेट यानी स्पम। हाँ, तो दोनों ही कैरेक्टर से एक एक स्पम आएगा, जैसे फर्स्ट वाले से आएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और सेकेंड वाले से आएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और इन दोनों को मिलके होगा फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन देखने में होगा कैसा? येलो और राउंड। तुम पूछोगे क्यों, जबकि इसका जो पेरेंट्स था वो तो दोनों था ना, राउंड भी था, रिंकल भी था, येलो भी था, ग्रीन भी था, ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए, मैंने बताया फर्स्ट जनरेशन पे हमेशा ही जो डोमिनेट है वो ही रहेगा। तो डोमिनेट कौन सा कर रहा है? राउंड डोमिनेट करता है, और कलर में कौन सा डोमिनेट करता है? येलो डोमिनेट करता है, तो इसके वजह से ये राउंड है और येलो है। अब पहला जनरेशन तो हमें मिल चुका था, बट इससे हमारे मेंडल साहब को सुकून तो नहीं मिलेगा, उन्हें तो बायोलॉजी का फुल मजा लेना है। मतलब भाई साहब, बायोलॉजी का सही उपयोग करना तो कोई इनसे सीखे। तो चलो आओ सेकंड जनरेशन भी निकालते हैं, ये जो फर्स्ट जनरेशन है उन दोनों के बीच करवा के। सही है मेंडल साहब, बहुत अच्छा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो यहाँ पे हमने लिया दो सीड फर्स्ट जनरेशन वाले। अब जब इन दोनों के बीच हम करवाएंगे ना, तो यहाँ पे दोनों सीट के बीच इस सीट का चार पॉसिबिलिटीज बन सकता है, और इस सीट का भी चार पॉसिबिलिटीज बन सकता है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज क्या ही है? देखो तुम्हें पता है यहाँ पे एक सीट के अंदर में दो कैरेक्टर्स है, एक शेप वाला एक कलर वाला। तो दोनों कैरेक्टर्स में से हर एक कैरेक्टर अपना एक एक गेमेट यानी स्पम देगा। अब सवाल उठता है कि कौन सा स्पम यानी कि कौन सा गेमेट देगा, और वो गेमेट कलर वाला कैसा होगा और शेप वाला कैसा होगा, ये चीजों को जानना है हमें अभी। तो यहाँ पे इस सीट का चार पॉसिबिलिटीज होगा और इस सीट का भी चार पॉसिबिलिटीज होगा, जो कि मैंने यहाँ दे दिया है। देखो मैं पहला वाला बता रहा हूँ तुम्हें, दोनों का सेम ही रहेगा, एक जान लो बराबर है। या तो देखो दोनों ही डोमिनेट वाला होगा, यानी कि जो शेप वाला होगा वो भी राउंड आएगा और जो कलर होगा वो भी येल्लो आएगा। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि कोई एक डोमिनेट वाला हो, जैसे कि यहाँ देखो आर जो है वो डोमिनेट वाला है जो कि एक है, और वाई जो है डोमिनेट वाला नहीं, ये रिसेसिव वाला है। फिर तीसरा नंबर पे देखो यहाँ पे वाई जो है वो डोमिनेट वाला है, और आखिरी पॉसिबिलिटी ये बन सकता है कि दोनों के दोनों ही रिसेसिव हो। तो जो इस सीट में बना हुआ है ऑब्वियस बात है इधर भी ऐसा ही बनेगा। तो अब इन चार और चार आठ पॉसिबिलिटीज को हमें क्या करना पता है, कंबाइन करके सीट्स बनाना है, ठीक है? तो चार और चार आठ पॉसिबिलिटीज से जो सीट बनेगा वो बनेगा टोटल 16 सीट्स। मतलब देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो ये चार और चार आठ पॉसिबिलिटीज जब मिलेगा ना, तो इससे 16 तरीके का सीट्स बन सकता है, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो बात? जैसे कि जो हमने मोनो हाइब्रिड में देखा था कि जो सेकंड जनरेशन में सिर्फ चार बना था, बट यहाँ पे 16 बनेगा, 16 अलग अलग कलर शेप दिखेगा हमें। तो इसे दिखाने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा है सिंपली तो नहीं दिखा सकते जैसे हमने मोनो हाइब्रिड पे दिखाया था, तो यहाँ पे हम एक टेबल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं प्यूनिटी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट जनरेशन में दो सीट्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन था उन्हें लिख देंगे ऊपर पे। ये देखो ऊपर और ये नीचे बराबर। अब हम इन दोनों के बीच करवाएंगे वही जो हम अक्सर करवाते हैं और जिससे हमारे मेंडल चाचा को बहुत मजा भी आ रहा है। समझ रहे हो आप? और इससे कितना कॉम्बिनेशन बनेगा वो देखेंगे। तो 16 में से मैथ में ट्राई करूंगा कि 8 को समझा देने का, और बाकी 8 तुम खुद से समझोगे। तो पहला कॉम्बिनेशन लेते हैं, देखो ये भी डोमिनेट है और ये भी डोमिनेट है, जब दो डोमिनेट मिलेगा तो बनेगा ऐसा। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन, यहाँ तो दोनों ही डोमिनेट है बट यहाँ में कोई एक है, कौन सा है? आर। तो कुछ ऐसा बनेगा ये। फिर मान लो कि तीसरा, यहाँ तो वही रहेगा, अब इससे हम क्या करेंगे, इससे मिलाएंगे, यहाँ में वाई डोमिनेट कर रहे हैं तो वो ऐसा दिखेगा। अब मान लो कि एक डोमिनेट और एक रिसेसिव तो वो ऐसा दिखेगा। ये हो गया चार कॉम्बिनेशंस। अब आगे देखते हैं, अब मान लो कि इसमें क्या है, आर सिर्फ डोमिनेट कर रहा है, ठीक है? अब इसके साथ हम इसे करेंगे, यहाँ में तो दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ में ऐसा करेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। फिर इसी तरीके से हम जाते रहेंगे, जहाँ यहाँ तो तुम्हें पता है आर डोमिनेट कर रहा है और यहाँ भी आर डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ में ऐसा कुछ बनेगा। फिर वही चीज़, हाँ यहाँ तो आर ही डोमिनेट कर रहा है और यहाँ पे वाई डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ कुछ ये दिखने में सीट को ऐसा होगा अगर ये दोनों मिलते हैं। फिर ये है इसका, और फिर मान लेते इसे,
जहाँ में यहाँ तो आ डोमिनेट कर रहा है बट यहाँ क्या डोमिनेट कर रहा है, यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। जब एक डोमिनेट कर रहा होगा और यहाँ एक भी डोमिनेट नहीं कर रहा होगा तो जैसे सीड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ऐसे ही बाकी एट को तुम खुद से करोगे और करने के बाद जो तुम्हें दिखेगा ना वो कुछ ऐसा होगा। अब हमने पूरा निकाल लिया है प्यूनिट स्क्वायर में जो भी कॉम्बिनेशन बन सकता था। अब देखना है कि सीड कैसा दिख रहा है। जैसे जो पहला सीड है ना वो येल्लो है और राउंड है, तो राउंड इसलिए क्योंकि दोनों डोमिनेट है और येल्लो इसलिए क्योंकि वाई है जो कि डोमिनेट वाला ही है। ये तो देख लिया। अब देखो ये ग्रीन क्यों है बताओ। ये ग्रीन इसलिए देखो यहाँ मैं राउंड का बात कर रहे थे तो राउंड तो है बट यहाँ में ये स्मॉल वाई है, दोनों के दोनों ही स्मॉल वाई है। और मैंने क्या बताया था, अगर कोई एक डोमिनेट कर रहा होगा तब वो डोमिनेट वाला दिखेगा बट अगर दोनों के दोनों रिसेसिव होगा तो वो रिसेसिव ही दिखेगा। तो तुम्हें पता है स्मॉल वाई क्या को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन को। तो ये ग्रीन दिख रहा है इसलिए, और जो कैपिटल आ रहा है वो तो डोमिनेट कैरेक्टर है तो ये राउंड है इसलिए। फिर देखो ये येल्लो है बट ये कैसा है, देखो रिंकल शेप का है। येल्लो है मतलब ये डोमिनेट है बट यहाँ देखो स्मॉल आ रहा है इसीलिए वो रिंकल है जो कि रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव कैरेक्टर को। तो तुम्हें पता है रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा वाला था, रिंकल वाला। तो देखो इसे अगर समझना है ना तो तुम्हें ये चीज़ जो है इसे याद कर लेना पड़ेगा। इसे याद कर लोगे ख़त्म कहानी, ठीक है। कि आर क्या को रिप्रेजेंट करता है, राउंड को। स्मॉल आर क्या को रिप्रेजेंट करता है, रिंकल। कैपिटल वाई क्या को रिप्रेजेंट करता है, येल्लो। स्मॉल वाई क्या को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन। उसे देखोगे और इस टेबल को देखोगे तो तुम समझ जाओगे। अब एक आखिरी चीज़ जो कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर में तुम्हें जानना है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो पढ़ा था ना हमने मोनोहाइब्रिड पे, अब यहाँ में भी हमें वही चीज़ जानना है। बट एक चीज़ हमें यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो नहीं जानना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जानना है फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक मैंने बताया तो मैं लुक देखने में कैसा है, हमें यहाँ देखना है कि सीड का कलर कैसा है, येल्लो या ग्रीन। सीड का शेप कैसा है, राउंड या रिंकल। तो हमने जो 16 सीड्स का पॉसिबिलिटीज़ देखा था प्यूनिट स्क्वायर में, उन सब में से ना 9 ऐसा सीड्स है जो कैसा है, राउंड है और येल्लो है, और 3 ऐसा सीड्स है जो कैसा है, रिंकल और येल्लो है, और 3 ऐसा है जो राउंड और ग्रीन है, और आखिरी एक लौता ऐसा है जो रिंकल है और ग्रीन है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो फिनोटाइपिक रेशियो है ना डाइहाइब्रिड का वो कैसा है, 9:3:3:1 का रेशियो पे है। याद रहेगा ये चीज़, ये चार्ट को एक बार देख लेना और प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस करना, याद रह जाएगा। अब हम लॉ को देखते हैं जो इससे बन रहा है। यहाँ हम वापस आएंगे फिर से तुम्हें और थोड़ा समझाने के लिए बट हाँ लॉ के ऊपर देखते हैं। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स है, हमारे मेंडल साहब को 3 लॉस मिलता है जिसे तुम कह सकते हो 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडल। पहला प्रिंसिपल है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि मैं तब से बता रहा हूँ तुम्हें। जब हम दोनों प्योर ब्रीड्स को करवाएंगे ना तो उससे जो पहला जनरेशन निकलेगा उसके अंदर में जो कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है वही पूरे जनरेशन के अंदर में देखने मिलेगा। जैसे कि यहाँ में हम हाइट का बात कर रहे हैं तो हाइट में जो टॉल वाला है वो कैपिटल टी से डिनोट कर रहा है और यही है डोमिनेंट कैरेक्टर। तो जो फर्स्ट जनरेशन होगा उसमें सबके सब टॉल होगा क्योंकि यहाँ में भी कैपिटल टी सब में है जिससे कि ये टॉल दिख रहा है क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। फिर दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सैग्रीगेशन। अब इसे समझने के लिए ये समझो कि तुम्हारे पास 2 एलील्स होता है, एक फादर का एक मदर का, और तुम्हारे फादर के पास भी 2 है और मदर के पास भी 2 है बट वो 2 के 2 एलील तुम्हें नहीं देता है। फादर की तरफ से 1 आएगा, मदर की तरफ से 1 आएगा जिससे कि तुम्हारा 2 हो जाएगा। अब देखो यार मान लो कि फादर भी 2 दे दे और मदर भी 2 दे दे फिर तो तुम्हारा 4 हो जाएगा ना, 4 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब 2 एलील होगा और आगे जो ट्रांसफ़र कर रहा होगा ना तो 2 नहीं करेगा, बस 1 ही करेगा, फादर की तरफ से 1, मदर की तरफ से 1। जैसे हमने यहाँ पे देखा है एक टॉल ट्री है एक शॉर्ट ट्री है, तो जो तुम बने हो ना मान लो तुम एक ट्री हो तो तुम्हें इधर से आएगा टॉल और इधर से आएगा एक शॉर्ट, देख रहे हो, एक शॉर्ट एक टॉल, और इसका कम्बिनेशन होगा तुम जहाँ में तुम्हारे पास टॉल और शॉर्ट दोनों होगा बट क्योंकि यहाँ में टॉल डोमिनेट है तो तुम कैसा दिखोगे, डोमिनेट वाला। अब फिर जो आखिरी लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो ये लॉ कहाँ से मिला मेंडल साहब को पता है, जो हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था ना डाइहाइब्रिड वहाँ से। अब ये लॉ क्या कहता है, देखो कोई भी जो अलील होगा ना कोई एक जीन का वो दूसरे अलील के जीन्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। देखो ये कहना ये चाह रहा है कि देखो ये एक सीड है और ये भी एक सीड है,
इन दोनों सीट्स में दो कैरेक्टर्स हैं, राइट? एक तो ये राउंड वाला कैरेक्टर और ये कलर वाला कैरेक्टर। तो जो राउंड वाला कैरेक्टर है वो कलर वाले कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। दोनों अपना अपना अलग अलग रोल निभाएंगे, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी कि इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। देखो इन दोनों ने जब करवाया अपना, तो देखो यहाँ में कैसा बना, राउंड बना और येल्लो बना। क्यों? क्योंकि यहाँ में राउंड कैरेक्टर में डोमिनेट है तो डोमिनेट वाला ही आएगा, और यहाँ में कलर में भी येल्लो डोमिनेट कर रहा है, तो वो जो जनरेशन टू बनेगा वो कैसा बनेगा, जहाँ डोमिनेट वाला होगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपल सा ये कहना चाह रहा है, राउंड रिप्रेजेंट करेगा अपना रोल और कलर रिप्रेजेंट करेगा अपना रोल। ये दोनों एलील्स एक दूसरे के काम पे दखलअंदाजी बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स का अपना अपना अलग अलग रोल्स है। ये हमें सीखने मिलता है डाइहाइब्रिड क्रॉस से। अब इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। यहाँ में क्या चीज़ का डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं हम, तुम्हें पता है? हाँ, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ये टॉपिक में सिंपल सा ये कहना है, देखो डिटरमाइन करना है कि एक ह्यूमन जो बनेगा ना वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ये तुम कैसे पता करोगे? सिंपल सा ये चीज़ है यहाँ बताने लायक, ठीक है? तो देखो इस चीज़ को पता करने के लिए तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि ह्यूमंस के अंदर में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23। अभी 23 में से ना 22 बेकार है, इससे हम नहीं पता कर सकते कि लड़का होगा या लड़की होगा। जो आखिरी है एक लौता, उसी से हम पता कर सकते कि यहाँ लड़का होगा या लड़की होगा। देखो लड़कों के अंदर में क्या होता है, XY दोनों क्रोमोसोम्स होता है, जबकि लड़कियों के अंदर में XX दो क्रोमोसोम्स होता है। तो ये चार्ट को देखो तुम, ये मेल है ये फीमेल है। मेल के अंदर में मैंने बताया तुम्हें XY होता है और फीमेल के अंदर में XX होता है। तो तुम्हें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो फीमेल से आएगा क्या, X। अब लड़का होगा या लड़की होगा ये डिपेंड करेगा हम से, यानी कि लड़कों से, क्योंकि हमारे पास X भी है और Y भी है। तो अगर मान लो मैंने दिया Y, तो अगर Y दिया ना मैंने तो वो लड़का पैदा होगा, और वहीं पे अगर मैंने X दिया तो वो लड़की पैदा होगा। तो आई गेस मैंने चैप्टर समझा दिया है और तुम लोगों को समझ आया भी होगा। तो खत्म करते हैं यार वीडियो को, काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर लो, इससे मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, क्योंकि पता है तुम्हें वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, बट ये जो तुम करते हो ना इससे मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, इससे भी अच्छा करने में मेरे कंटेंट को। तो उम्मीद है तुम लोग करोगे। और एक रिक्वेस्ट रहेगा तुम सबसे यार, डिस्क्रिप्शन में मेरे गेमिंग चैनल का लिंक दिया होगा तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। अभी तो मैंने उसमें बिल्कुल वीडियोस नहीं डाला है क्योंकि तुम लोगों को पता है 14 तक तुम लोगों का एग्ज़ाम चलेगा और 20 से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों से इतना ही कहना है, थैंक यू, लव यू ऑल।